गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम रह जाए हैं राजमा चावल। मम्मा ने ऑलरेडी रात में बॉईल करके रख दिया है और मैंने भी ऑलमोस्ट सारा सामान तैयार कर दिया है। जो भी मुझे प्याज वगैरह लहसुन अदरक डालना है और खड़े मसाले डालने हैं सो मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिया है। तो अब बस मैं छौंकने जा रही हूँ। प्याज काट लिए हैं, वैसे आप मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, पर आज मेरा चॉप करके छौंकने का मन था। तो तेल गर्म हो गया, मैं इसमें सारे खड़े मसाले डाल देती हूँ, ये जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। बी केयरफुल। अब मैं इसमें सारे प्याज डाल देती हूँ। आउच, ये देखो भी क्या कहाँ कहाँ रह के लॉन्ग पड़ रही है। प्याज डाल देती हूँ इससे पहले कि मैं भी छुट जाऊँ साथ में। प्याज जब छुपता है तो उसकी खुशबू किस चीज़ से अच्छी लगती है। वैसे राजमा के साथ आप लोग को क्या पसंद है? मुझे तो राजमा के साथ जीरा राइस पसंद है, तो पूरी भी अच्छी लगती है। वैसे मम्मी ने ऑलरेडी राजमा में 2 चम्मच नमक डाला हुआ, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना नमक डालूंगी। गर्मी बहुत है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। वैसे तो नाश्ता तैयार रखा है, पर मेरा मन कर रहा है डायरेक्ट राजमा चावल खाने का, तो मैंने सोचा कि जल्दी से छौंक देती हूँ और फिर टेस्टी चावल हाँ खा लेती हूँ। फिर ये टमाटोज कट करके रखे हैं, मुझे भी इसको मिक्सर में ग्राइंड करूँगी मैं, या और सबसे लास्ट में मैं डालूंगी इसको। और अभी फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। सॉरी मैंने तो आपको बताया नहीं कि मैंने इसमें क्या क्या खड़े मसाले डाले। मैंने खड़े मसाले में 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता, 1 सिनेमन स्टिक, दालचीनी की लकड़ी और कुछ लौंग, कुछ काली मिर्च और हींग और जीरा। ये सब इतना डाला मैंने। और कितना अच्छा सुनहरा प्याज हो गया है। लेट मी शो यू। आज तो राजमा चावल बेस्ट बनने वाले हैं, वैसे तो हमेशा ही बेस्ट बनते हैं। हाँ, क्या खुशबू है भुने हुए प्याज की। Oh my God. लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने इसमें तैयार कर रखा है, हरी मिर्च लहसुन अदरक, अब मैं इसको जल्दी से डाल के इसको भून लेती हूँ और फिर मैं जल्दी जल्दी इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। जो कढ़ाई है यही कढ़ाई है जो मुझे हमेशा जलाती रहती है, सो आई हैव टू बी केयरफुल दिस टाइम। मुझे इस बार नहीं चाहिए इसका टैटू। ये देखो ये और इसके जो मेरा ये मॉल है, इसके ऊपर और नीचे दोनों देखो शेडो दिख रहे हो, ऊपर वाला विजिबल है नीचे वाला भी है। तो ये हमेशा यही वाली जो कढ़ाई है ना, ये हमेशा मुझे जलाती है, मुझे इस बार नहीं चाहिए कोई निशान। सो हैव टू बी केयरफुल दिस टाइम। खुशबू है, मतलब जब आप जब लहसुन अदरक भी भून रहे होते हैं उसकी भी इतनी मज़ेदार खुशबू आती है। मतलब जिनको कुकिंग करना पसंद है ये बस वही समझ सकते हैं। मसालों की जो खुशबू है ना अपने, इनकी खुद की जो इंडिविजुअलिटी होती है, इनकी खुशबू होती है बेस्ट। खुशबू से पेट भर जाए। मसाले डाल देती हूँ और बस फिर तो राजमा तैयार। नहीं अभी टमाटर भी डलेगा। मसाले मैं जल्दी से क्विकली इसमें पहले डाल देती हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या मसाला डाला है, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ एक हाथ से कुकिंग कर रही हूँ। इट्स नॉट दैट इजी, सो प्लीज। और गर्मी बहुत है, उफ़ माय गॉड, मतलब सितंबर आ गया है और इतनी गर्मी है अभी, सर्दी आ जाए जल्दी से। तो मैंने सारे मसाला डाल दिया, ये है धनिया पाउडर, ये है हल्दी, गरम मसाला, और क्योंकि मेरे पास राजमा पाउडर था नहीं तो मैंने ये चिकन मसाला डाल दिया है। बस देखिए ऐसे ही होता है, ऐसे ही जिगाड़ लगाया जाता है, राजमा मसाला नहीं था तो इसलिए हम चिकन मसाला के साथ बनाएंगे राजमा। आई एम श्योर बहुत टेस्टी बनेगा। तो मेरे पास छोला मसाला है, चिकन राजमा मसाला ये सब नहीं होता है, तो फिर मैं चिकन मसाला डाल देती हूँ। अब इसमें जल्दी से टमाटर की प्यूरी बना के डाल देती हूँ। टमाटर की प्यूरी जल्दी से इसमें जाएगा। और ये मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाल दिया है। वैसे तो मैं दही नहीं डाल के बनाती, बट इसमें मैंने डाल दिया है क्योंकि मुझे पसंद है कुकिंग करते वक्त हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ ट्राई करना, या तो कहीं से अगर मैंने देखा है या सुना है, या अगर मेरे दिमाग में कहा है कि हाँ चलो इस बार ये डाल के देखते हैं, तो मुझे कुकिंग करते वक्त कुछ ना कुछ नया ट्राई करने अच्छा लगता है। अमचूर पाउडर नहीं है फिर तो सही क्या मैंने दही डाल के, बिकॉज आमचूर तो डलना चाहिए ना राजमा में, तो आमचूर डलता है। टमाटर हो गया और दही हो गया, तो ठीक है 2 खट्टी चीजें हो गई। तो मसाला तो गया है भून, अब मैं इसमें डाल देती हूँ राजमा। यस, ये देखिए राजमा बॉयल है। तो मैं इसको इससे पहले राजमा निकाल के डाल देती हूँ और थोड़ा सा राजमा को मसालों में भूनूंगी थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, फिर उसके बाद मैं पानी भी डाल दूंगी।
इन्हें वैसे किडनी बीन्स भी कहते हैं, बस इन्हें किडनी बीन्स क्यों कहते हैं क्या आपको पता है? क्योंकि ये जो बीन्स हैं किडनी के शेप के होते हैं, इसलिए इन्हें किडनी बीन्स कहते हैं। अब थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं हमेशा अपनी ब्लॉग्स में आप लोगों को बताती रहूंगी। मैं एक मिस्टेक कर रही हूँ, ये कि मैं कैमरे के लेंस में नहीं देख रही, मैं खुद को देख रही हूँ। पता नहीं कब इम्प्रूव होगा, कब ठीक करूंगी मैं अपनी ये गलती। हर ब्लॉग में मैं यही सेम मिस्टेक बार बार गॉड नोस। अभी भी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे इस पर भून देती हूँ, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट, फिर उसके बाद मैं ये जो पानी है इसका ये डाल दूंगी। तब तो मैं चावल तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही राजमा तैयार होगा बस मैंने तो खा लेना है। तो 2 कप चावल ऐसे बहुत होंगे। वाह यू सी कितना अच्छा कलर आया है, वाह सो टेम्प्टिंग। मेरा तो मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। मैं जल्दी से इसमें पानी डाल देती हूँ। तो ये अब आराम से 15-20 मिनट तक पकेगा। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि पकने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा। चावल के लिए कुकर चढ़ा दिया है, मैं तो जल्दी से इसमें छौंका लगा देती हूँ। छौंके के लिए मैंने सारा सामान निकाल लिया है, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची बिल्कुल दीदी को पसंद है, और ये तेज़पत्ता, थोड़ा सा ऑयल। राजमा बन रहे हैं, ये चावल बन गए, और ये मैंने राजमा में छौंका लगाने के लिए रखा है। तो मैं चावल खोल लेती हूँ। हाँ क्या खुशबू है, ओहो गरम गरम जीरा राइस। छौंके के लिए ऑलरेडी चीज़ें तैयार करके रख दी हैं, थोड़ा सा घी मैं डाल दूँगी, ये मैंने ये गाजर कह रही हूँ, अदरक और हरी मिर्च, बस इन दोनों से छौंका लगाने वाली हूँ। राजमा तो बन के तैयार हो गए हैं, इधर चावल में से भी ये भाप निकल गई, तो मैं इसको भी थोड़ा सा स्टर कर देती हूँ। इससे पहले छौंका लगा देती हूँ, बिकॉज घी ऑलरेडी गर्म हो गया है। बस ये छौंका तैयार हो गया है। वाओ किस किस को अच्छा लगता है ये छौंके का साउंड, कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं अपने लिए सर्व कर लेती हूँ। सो ये मेरा राजमा चावल तैयार हो गया है, और बिकॉज मेरे घर में धनिया नहीं है, लेकिन मैंने अपने किचन गार्डन में जाके देखा तो मुझे मेरे जितने लायक तो धनिया मिल ही गया। सो लेट्स डेकोरेट। वाओ हाउ टेम्प्टिंग इट इज, टेस्टी लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं तो सोच रही हूँ बस जल्द से खा लेती हूँ। मेरे राजमा चावल तो तैयार हो गए हैं और मैं अब जा रही हूँ खाने के लिए। अब कितना टेस्टी लग रहा है, कितना वाओ। अब मैं टेस्ट करके नहीं बताया, मैं टेस्ट करके तो बता दूँ आप लोगों को कि कैसे बनाया राजमा। वैसे तो देखने में कलर था सुंदर लग रहा है, और इसकी धनिया मेरे किचन गार्डन से। वाओ बेस्ट है, मतलब बहुत टेस्टी बनाया, और मुझे अब लग रही है भूख। मैं जा रही हूँ राजमा चावल एंजॉय करने। आप लोग भी राजमा चावल इस तरह से बनाना और बताना कि आप लोग को कैसे लगे राजमा चावल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय राजमा चावल।